सो हेलो व्यूवर्स, अभी थोड़ी देर पहले हमने जो वीडियो शेयर किया उसमें मैंने आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को एक्सप्लेन किया। तो आप अगर जिस किसी ने भी वो वीडियो ना देखा हो तो आप उसको देख लीजिए, पहले उसमें एक्सप्लेनेशन ले लीजिए, उसके बाद हम एक्सरसाइज ये पे आएंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो पहले तो आज बहुत ठंड है भाई, तो आप सब अगर चाय वे पी रखे हैं तो अच्छी बात है, नहीं पी रखे हैं तो चाय वे ले लीजिए, ठीक है। कप ऑफ टी मेक्स अस फ्रेश, आ कप ऑफ सी यूपी कप ऑफ टी भाई, मेरे लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जब अपने काम जो करती हूँ ना तो मुझे एक कप चाय या गर्म गर्म कॉफ़ी चाहिए। वैसे भी आज का मौसम जो है वो वही कह रहा है कि मैम आप काम करिए तो हम लोगों के साथ चाय और कॉफ़ी के साथ बैठ के करिए। तो आप लोग भी अगर गर्म कपड़े नहीं पहन रखे हैं तो पहन लीजिए। दिसंबर की शुरुआत हो ही गई है तो ऐसे तो वेदर जो है वो हमें मिल रही है, तो इसको भी इंजॉय करिए, अच्छा है, ठीक है। कुछ ही दिनों में आपकी छुट्टियाँ हो जाएंगी तो आप छुट्टियाँ भी इंजॉय करिए, लगे आप तो ये सारी चीज़ें इंजॉय करिए बट पढ़ाई भी करिए। तो मैं सबसे पहले उन बोर्ड वाले बच्चों से कहूँगी भाई आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, ठीक है। ठंड है बट आपको ऐसा नहीं है कि आपको छुट्टियाँ मिल गई, आपको तो छुट्टियाँ नहीं मिलती जब तक आपके एग्जाम्स नहीं होने, तो आप उनको कैरी ऑन करिए। आज हम लोग डायरेक्टली बच्चों एक्सरसाइज ए की बात करेंगे। एक्सरसाइज ए, कैन यू राइट द सेंटेंसेज इन इनडायरेक्ट स्पीच। सबसे पहले गौतम सेड, रवि आई एम गोइंग टू द लाइब्रेरी टू बोरो सम बुक्स ऑन इंडियन हिस्ट्री। बच्चों आपकी जो बुक है ना कॉलिंस, उसमें एक्सरसाइज ये यहाँ पे दिया हुआ है बट ये जो वर्ड्स है ना कुछ क्लियर नहीं थे, तो मैंने यहाँ पे सारे वर्ड्स को यहाँ पे लिख रखे हैं, तो आई होप दैट यहाँ पे आपको क्लियर होगा, ठीक है। अब मैं आपको एक बार ये समझा देती हूँ, डायरेक्टली आंसर्स देने से अच्छा है कि मैं उस पर आपको फोकस करूँ कि आपको कैसे करना है, ठीक है। थोड़ा सा इसको शॉर्ट कर दूँ, ठीक है। गौतम सर रवि, गौतम ने कहा, ठीक है, गौतम ने रवि से कहा, बट वो जो इन्वर्टर कॉमर्स में दे रखा है भाई, ध्यान रखिएगा, कभी कभी ये गौतम सर रवि भी देता और उसके बाद आपका इन्वर्टर कॉमर्स शुरू होता, तो वहाँ पे वो सेंस वो आंसर्स कुछ और होता। कुछ बच्चे यहाँ पे कन्फ्यूज़ करेंगे, देखिए अगर ये होता गौतम सेड रवि तो उसके बाद कॉमा फिर इन्वर्टर कॉमर्स में, तो यहाँ पे जो आपका ये जो है ना वो कुछ चेंज होता, ये रिपोर्टेड वर्ड चेंज होता, बट यहाँ पे देखिए कॉमा के बाद रवि वर्ड यूज़ किया गया, तो देखिए स्टेटमेंट में आ रहा है कहीं ना कहीं, रिपोर्टेड वर्ब नहीं है यहाँ पे, ये रिपोर्टेड स्पीच में आ रहा है। आई एम गोइंग टू द लाइब्रेरी टू बोरो, बहुत सिंपल सेंटेंस है, आई एम गोइंग की बात कर रही है, इसका मतलब सबसे पहले टेंस पहचान लीजिए भाई, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का टेंस है, ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का टेंस है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस विल चेंज इन टू पास्ट कॉन्टिन्यूस, पहले तो ये जान लीजिए। तो रवि, जब भी हम ये सेंटेंस पढ़ेंगे ना बच्चों, तो हमको एक 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 भाव आएगा कि रवि कहीं ना कहीं गौतम कहीं ना कहीं इन्फॉर्म कर रहा है रवि को, ठीक है, वो बता रहा है, वो इन्फॉर्म कर रहा है, वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो गौतम इन्फॉर्म्ड। अभी यहाँ पे ये पास्ट है तो हम अपना रिपोर्टेड वर्ब पास्ट में ही रखेंगे, अभी मैंने लास्ट वीडियो में आपको समझाया भी था, ऑर्डर को चेंज कर देते हैं ऑर्डर्ड में, ठीक है, इन्फॉर्म को चेंज कर देते हैं इन्फॉर्म्ड में, तो गौतम इन्फॉर्म्ड रवि, क्या इन्फॉर्म्ड किया, दैट ही वॉज गोइंग, देखिए ही वॉज गोइंग आ गया, मतलब ये पास्ट कॉन्टिन्यूस आ गया, टू द लाइब्रेरी टू बोरो द बुक्स सम बुक्स ऑन इंडियन हिस्ट्री, ईजी है, खत्म। दूसरा देखेंगे, शीतल सेड आई एम फंड ऑफ ईटिंग डार्क चॉकलेट, आई एम फंड ऑफ ईटिंग, अगेन सिंपल प्रेजेंट की बात हो रही है, तो दैट का यूज़ करेंगे, मैंने आपको पहले ही बता रखा था भाई कॉमा वॉमा हट जाता है और दैट का यूज़ होता है, तो शीतल सेड दैट शी वॉज फंड ऑफ ईटिंग डार्क, देखिए सारी चीज़ें वही हैं, बस यहाँ पे प्रोनाउन चेंज हुआ है और टेंस चेंज हुआ है, टाइम और प्रोनाउन की चेंजिंग हो रही है भाई, अभी प्लेस वाला कोई भी एग्जांपल नहीं आया, मैं प्लेस वाला भी बताऊंगी आपको, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें और वीडियो को अंत तक देखते रहें। माय फादर सेड टू मी आई हैव बीन गोइंग टू द टेलीफोन एक्सचेंज एवरी डे टू लोच अ कंपनी, सेंटेंस को समझिएगा भाई कि फादर सेड टू मी आई है, मतलब ये आई जो है ना ये किसके लिए यूज़ किया गया, फादर के लिए चेंज, देखिए यहाँ पर ये चेंज में होगा, ये चेंज होगा, ठीक है, एवरी डे ये सारी चीज़ें यहाँ पे चेंज होगा, तो फादर ने, ये देखिए सिंपल सेंटेंस है, ठीक है, एक सिंपल डिक्लेरेशन का भाव आ रहा है कहीं ना कहीं। अब ये हैव बीन दिया हुआ है तो हैव बीन आपको कहाँ पे यूज़ किया, कहीं ना कहीं ये पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो रही है, ठीक है, और आईएनजी भी दिया हुआ है तो प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हैव बीन के साथ आईएनजी का यूज़ करते हैं, तो वो हैड बीन चला जाएगा, हैज़ हैव बीन को आप हैड बीन भी यूज़ कर दीजिए। तो माई फादर टोल्ड मी दैट ही हैड, ये भी ही जो है वो किसके लिए यूज़ किया गया, फादर के लिए यूज़ किया गया, ही हैड बीन गोइंग टू द टेलीफोन एक्सचेंज एवरी डे टू लोड अ कंप्लेंट। क्वेश्चन नंबर फोर, दे कंप्लेंट इट इज
एक्सट्रीमली हॉट एंड सफोकेटिंग इन द गैरेज। भाई सही बात है, गैरेज है तो वो एक्सट्रीमली हॉट हो गया है और कहीं ना कहीं सफोकेट कर रहा है उनको, वो कंप्लेंट कर रहा है। वो सिंपल सी बात है, इट इज़ का यूज़ है तो वॉज लगाएंगे, ठीक है। तो दे कंप्लेंट, क्या कंप्लेंट ऑलरेडी दे रखा है तो आप कंप्लेंट ही लिखेंगे, क्योंकि पास्ट में दे रखा है तो आप इनडायरेक्ट में पास्ट में ही बोलना है भाई, इनडायरेक्ट में तो आप पास्ट ही में यूज़ करते हैं अपना रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। तो दे कंप्लेंट दैट इट वॉज, बाकी चीज़ें आप एज इट इज रख दीजिए, देख लीजिए ना यहाँ पर टाइम चार टाइम आपने चेंज कर दिया, प्रोनाउन आपने प्रोनाउन भी नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी थर्ड पर्सन पर्सन की बात हो रही है तो दैट इज़ गिवन ऑलरेडी। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे, द डॉक्टर टोल्ड अस आई विल बी अटेंडिंग अ कॉन्फ्रेंस इन दिल्ली टुमारो। अब देखिए प्लेस की बात आ रही है, टुमारो टाइम की बात आ रही है यहाँ पर, टाइम और उसके बाद फ्यूचर, फ्यूचर टेंस आ गया, ठीक है। अब फ्यूचर टेंस आ गया है तो फ्यूचर में मैंने अभी आपको बताया था कि मॉडल्स भी चेंज करते हैं और टाइम भी चेंज करते हैं, प्लेस भी चेंज करते हैं और सबसे पहले प्रोनाउन भी चेंज करते हैं। तो यहाँ पे फ्यूचर टेंस आया और कहीं ना कहीं मॉडल भी आया, ठीक है, विल मॉडल मॉडल्स में ही आते हैं बच्चों। तो देखिए कहीं आप विल का कॉन्सेप्ट मिले ना तो आप उसको उड में चेंज करिए, ठीक है, ये चेंजिंग का रूल होता है। तो द डॉक्टर टोल्ड अस दैट, ये आपने सेम यूज़ किया क्योंकि ऑलरेडी टोल दे रखा है, सेड होता है तो आप शायद उसको चेंज करते, बट ऑलरेडी टोल्ड है तो आप टोल्ड में लिख दिए। ही उड, देखिए आई को चेंज कर दिया ही में और विल को चेंज कर दिया उड में, बाकी चीज़ें सेम है। अटेंडिंग अ कॉन्फ्रेंस इन दिल्ली द फॉलोइंग डे, टुमारो को हमने किस में चेंज कर दिया, द फॉलोइंग डे में, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, वी हैव बीन टू द बर्ड सेंचुरी इन रांची, ही सेड। वी हैव बीन, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है भाई, मैंने बोला था कि यहाँ पे हैज आपको कौन सा टाइप तुरंत उसको आप ऐड कर दीजिए। ही सेड, तो सबसे पहले आप रिपोर्टेड वर्ब को इधर लाइएगा, ही सेड दैट। अब वी है तो वी चेंज होना ही है, तो वी को जब आप यहाँ पे लाएंगे तो ये दे होगा, दे हैव को हैड में चेंज करेंगे, बीन विल बी सेम। दे हैड बीन टू द बर्ड सेंचुरी, ये बेटा ये कुछ नहीं है इसको आप कट कर दीजिए, इन बर्ड सेंचुरी इन रांची। नंबर 7, ही सेड वी हैव बीन वेटिंग फॉर आवर्स टू गेट आवर पासपोर्ट्स स्टैम्प्ड, ठीक है। तो वी हैव बीन अगेन वही चीज़ें हैं, तो ही सेड दैट दे हैड बीन वेटिंग फॉर आवर्स टू गेट, ये कुछ नहीं है, टू गेट देयर, आवर को चेंज करना है देयर में क्योंकि प्रोनाउन चेंजिंग है भाई, टू गेट देयर पासपोर्ट स्टैम्प। नंबर 8, शी सेड आई शैल यूज अ बास्केट व्हेन आई ट्रेवल नेक्स्ट टाइम, शैल को क्यों, शैल को शुड में नहीं यूज़ किया गया है भाई, अभी आप कहेंगे भाई विल तो वुड में चेंज हो रहा है तो शैल शुड में क्यों नहीं चेंज हो रहा है, क्योंकि विल और वुड कहीं ना कहीं एक जैसे काम करते हैं, शैल और शुड डिफरेंट काम करते हैं। और अब वैसे भी यहाँ पे जब शी लाएंगे ना तो यहाँ पे शी जो एक शी के साथ आप शैल नहीं लगाएंगे, यहाँ पे आप वुड ही लगाएंगे अगर फ्यूचर का भाव आ रहा है तो, ठीक है। शी सेड दैट शी वुड यूज, आई है तो शैल है भाई, शी है तो शुड नहीं यूज़ करेंगे, सेंस चेंज हो जाएगा, शी के साथ वुड चेंज अ बास्केट व्हेन शी आई के साथ, फिर यहाँ पे शी आया देखिए ट्रेवल्ड नेक्स्ट टाइम। नंबर 9, पायल सेड इट इज़ रेनिंग वेरी हैवली इन दार्जिलिंग, तो इट वॉज हो जाएगा, पायल सेड दैट इट वॉज रेनिंग वेरी हैवली इन दार्जिलिंग। और लास्ट है रोनित सेड आई हैव फिनिश्ड माई मैथ्स होमवर्क, तो आई को ही में चेंज कर दिया, हैव को हैड में चेंज कर दिया और फिनिश तो फिनिश है, यहाँ पे ये माई जो है वो हीज में चेंज कर दिए, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ें क्लियर होगी, मुझे कमेंट करिए और बताइए कि मैम ये चीज़ें आपको समझ में आई, और अगर आप एक्सरसाइज बी भी एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो मुझे पहले कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट मुझे मिलते हैं तो वीडियो बनाने में थोड़ा सा मन लगता है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल दैट टाइम थैंक यू सो मच।